हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 68 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या इस चैलेंजिंग सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके इस कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, राहुल सचिन एंड संजीव स्पीक 2 टाइम्स 5 टाइम्स एंड 3 टाइम्स ट्रूथ आउट ऑफ 5 टाइम्स 6 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। यानी राहुल 2 बार सच बोलता है 5 बार में, सचिन 5 बार सच बोलता है 6 बार में, और संजीव 3 बार सच बोलता है 8 बार में। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है किस चीज़ की, दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर व्हेन आस्क टू स्पीक ऑन अ फैक्ट। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कब वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे जब कोई एक फैक्ट पूछा जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, जब दो लोगों में अगर हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट निकालते हैं तो क्या होता है, एक हमारा सच बोलेगा तो दूसरा क्या होगा, झूठ। लेकिन यहाँ पे 3 है तो वेरियस केसेस बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ समझो कि आपको ये भी मालूम है कि प्रोबेबिलिटी होने का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होने का और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का जो होता है वो कितना होता है, हमारा 1 होता है। तो हम लोग यहाँ से ये निकाल सकते हैं, हमको क्या निकालना है कि कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तो हम ऐसा निकाल लेते हैं सबसे पहले कि वो लोग कॉन्ट्राडिक्ट जो है नहीं कब करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कब नहीं करेंगे, जब तीनों एक ही क्वेश्चन का सही सही आंसर देंगे तभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, या फिर तीनों झूठ बोल देंगे तभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट कब होता है, जब एक सच बोलता है दूसरा झूठ बोलता है तभी कॉन्ट्राडिक्ट होता है। लेकिन अगर हम सभी लोग सच ही बोल देंगे तो कोई बहस होगा ही नहीं, अगर हम लोग सभी लोग झूठ बोल देंगे तब भी कोई बहस नहीं होगा, और उसको 1 में अगर हम लोग घटा देंगे तो हमको कॉन्ट्राडिक्ट का केस निकल जाएगा। यानी कि अगर राहुल का प्रोबेबिलिटी निकालें तो राहुल का कितना हो जाएगा, 2 बार बोलता है आउट ऑफ कितना, 5। सचिन का अगर हम लोग निकालें तो सचिन कितना बोलता है, 5 बार बोलता है आउट ऑफ कितना, 6। और अगर संजीव का निकालें, ठीक है, संजीव का अगर निकालें तो संजीव कितना बोलता है, 3 आउट ऑफ कितना 8। यानी कि ये किसका निकल गया हमारा, टिक से मैं इसे इंडिकेट कर देता हूँ, ये सच बोलने का निकल गया। तो इन लोग के झूठ बोलने का क्या होगा, झूठ यानी कि 1 - 2/5 यानी कि कितना देगा, 3/5 देगा। उसी तरीके से झूठ बोलने का सचिन का कितना, 1/6, संजीव का कितना, 5/8। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, आपको क्या निकालना है, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट कब होती है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई एक या दो सच बोलेगा तीसरा झूठ बोलेगा, तभी बहस कब होती है, किसी भी मुद्दे पे बहस कब होती है, जब एक दो लोग सच बोलेंगे तीसरा लोग झूठ बोलेगा, या एक लोग सच बोलेगा बाकी दो झूठ बोलेगा। लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट कब नहीं होगा, तो कब नहीं होगा मतलब क्या, जब तीनों लोग या तो सच बोल देंगे या तीनों लोग झूठ बोल देंगे, मतलब तीनों एक ही गाड़ी पे रहेंगे, तब क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा। तो कॉन्ट्राडिक्ट होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट होने के लिए और कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने का, दोनों का हम जोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, 1। तो कॉन्ट्राडिक्ट होने के लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, 1 - कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने का। ठीक है, 1 - क्या, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने का। तो अब हम लोग यहाँ पे नहीं होने का कॉन्ट्राडिक्ट पहले निकालेंगे। तो नहीं होने के लिए सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, कि तीनों हमारा क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जब तीनों सच बोलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ यानी कि 2/5 एंड 5/6 एंड 3/8। सॉल्व करेंगे इसे, 5 5 खत्म, 3 × 2 = 6 से ये 6 खत्म, यानी कितना हो गया, 1/8 हो गया। जब तीनों ही झूठ बोलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/5 इंटू 1/6 इंटू 5/8। 5 5 खत्म, 3 से ये 2 बार में खत्म, यानी कि कितना हो गया, 1/16। अब ये क्या हमारा निकला, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी निकला। अब हमको निकालना क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - क्या करेंगे, जो नहीं होने वाला है उसको हम जोड़ के घटा देंगे। तो जो नहीं होने वाला कितना है, एक 1/8 और एक कौन सा है, 1/16। इसी को जब घटाएंगे हम लोग, 1 - 8 और 16 है यानी कि 16, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, 3/16, 1 में जब 3/16 घटेगा तो हमको मिलेगा 13/16, और इसी के साथ हमारा जो प्रोबेबिलिटी कॉन्ट्राडिक्ट होने का है इन तीनों का वो कितना है, 13/16। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।